प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह के दोस्तों आज का विषय है प्रभु के पीछे कितने प्रकार की भीड़ें चलती थी। और आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें पता चल सके कि आप कौन सी भीड़ में शामिल हो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चार प्रकार की भीड़ें शामिल थी। बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के संग हजारों हजारों की भीड़ शामिल थी उसके संग। मत्ती 8:1 बताता है कि जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हजारों हजारों भीड़ होने के बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय सभी भीड़ उससे दूर हो गई और उसके विपरीत बड़ी भीड़ प्रभु के विरोध में हो गई, लेकिन उनमें से कुछ ही गिने चुने लोगों पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। प्रभु के पीछे हजारों हजारों की भीड़ों में चार तरह की भीड़ें शामिल थी। चंगाई पाने वाली भीड़ अर्थात जिन्हें चंगाई ही चाहिए था, प्रभु नहीं। आए वचन के अनुसार देखते हैं मरकुश 3:9-10। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। जी हाँ दोस्तों। और दूसरी भीड़ खाना खाने वाली भीड़, जिन्हें सिर्फ खाना ही चाहिए, प्रभु से कोई मतलब नहीं। आए वचन के अनुसार देखते हैं योहन्ना 6:26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभे के काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ खाना खाने वाली भीड़। और तीसरी भीड़ मनोरंजन वाले, जिन्हें सिर्फ देखना था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है वह देखने के लिए। आए वचन के अनुसार देखते हैं हम यूहन्ना 6:2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। और चौथी भीड़ है ज्ञानियों की भीड़, वो सिर्फ कमियां निकालने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कमियां देखते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, प्रभु को क्या चाहिए, क्या हम प्रभु के योग्य चल रहे हैं, ऐसे नहीं, सिर्फ कमियां देखने वाले। तो क्या आप उस कमियों की भीड़ में शामिल तो नहीं हैं? हमें प्रभु चाहिए, खाना, ज्ञान, बुद्धि, ये सब हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। इन भीड़ का हालत ये था, किसी को खाने की, किसी को चमत्कार देखने की, किसी को कमियां निकालने की, किसी को अद्भुत काम देखने की, लेकिन प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए, ना कि इन चीज़ों को देखने के लिए हमें प्रभु के पीछे जाना है। परंतु उस उद्धारकर्ता का हाथ थाम लिया है तो पीछे मुड़ के न देखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि जो हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। तो हम इन चार भीड़ों में शामिल नहीं होना है, हमें सिर पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम कर उसके साथ साथ चलना है, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो हमें स्मरण रखें। और दूसरी बात, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो और हम सो भी गए, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमें जरूर स्मरण रखेगा। अगर हम इन भीड़ों में शामिल हैं तो हमें स्मरण नहीं रखेगा, तब वो वचन आएगा जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। आगे देखेंगे हम जो कमियां निकालने वाली भीड़ है, आइए उसको हम वचन के अनुसार देखते हैं। लूका 19:39 में लिखा है, तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट।
जी हाँ दोस्तों, जब यीशु मसीह यरूशलेम को फिर से लौट आ रहा था, तब सारी भीड़ें प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए होसाना होसाना पुकार रही थी। उस समय यह चार प्रकार की भीड़ पहले कलीसिया में पाई जाती थी और अब भी यह भीड़ पाई जाती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए प्रभु से जुड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें प्रभु आशीष दे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उन्हें नौकरियां मिले, पैसे की ज़रूरत पूरी हो, उनका परिवार सुरक्षित रहे, चंगाई मिले, बाकी वह बिंदास होकर पाप करें, व्यभाचार करें, गालियां दें, नफरत रखें, ईर्ष्या रखें, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन कलीसिया में बड़े आत्मिक दिखाई देंगे। हमारी ज़रूरतें के लिए प्रभु के पास आना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी उद्देश्य से हम प्रभु से जुड़े हुए हैं कि सिर्फ हमारा काम हो जाए तो आने वाले समय में हम प्रभु से दूर हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु उनके हिसाब से काम नहीं करता। याद रखें, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, हमारे तरीके से नहीं। कुछ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रभु के पास आते हैं। आराधना में मज़ा आ गया, वाह क्या प्रार्थना करता है, जबरदस्त प्रचार करता है, ऐसा ही प्रचार तो हमें चाहिए। याद रखें, प्रभु की बातें हमारे मनोरंजन के लिए नहीं या हमें अच्छा लगे इसके लिए सिर्फ नहीं, लेकिन हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। लेकिन यदि हम ऐसी जगह में हैं जहां प्रभु की उपस्थिति और परमेश्वर का अभिषेक है, जहां हमें कभी कभी बहुत अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी हमारे पापों को प्रकट किया जाता है, तब हमें मुंह फेरना नहीं चाहिए। कमियां निकालने या बुराई करने से लोग नहीं सुधरेंगे, लेकिन सच्चाई से प्रार्थना करने के द्वारा आने वाले समय में प्रभु उन बातों को ठीक कर सकते हैं। हमें जरूरी लोगों को समझना भी है, लेकिन प्रभु के मार्गदर्शन और आत्मिक बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं। लेकिन उसी भीड़ में से चुने हुए लोग भी थे, जैसे पत्रस, याकूब, यूहन्ना, जिनका ध्यान सिर्फ अपना काम निकालना नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ लोगों की कमियों और मनोरंजन पर नहीं था, लेकिन उनका सारा ध्यान प्रभु को खुश करने पर था। और यही कुछ लोगों ने संसार को हिला कर रख दिया। जिनका हृदय प्रभु के सामने सही नहीं, वह प्रभु को छोड़ देते हैं, लेकिन जिनका हृदय प्रभु के आगे सही है, वह परमेश्वर को थामे रहते हैं। हजारों पाखंडी भीड़ से कहीं उत्तम है, कुछ गिने चुने सच्चे लोग इसलिए हजारों भीड़ वाली कलीसिया के और नहीं कुछ सच्चे लोगों की कलीसिया पर ध्यान दें, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हैं थोड़े हैं। प्रभु आप सभी को इस पवित्र वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।